तो देखिए थाली हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है, कई प्रकार का हमने त्योहार पे खाना बनाया हुआ है। फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आए हैं यहाँ पे खेत में और जो है बहुत ही अच्छी ऐसी सब्जी लेंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये हल्दी का पेड़ है दोस्तों, देखिए अभी एक दो महीने बाद ये खाना जाएगा, जनवरी में खाना जाता है इधर। तो हम सूरन लेने आए हुए हैं दोस्तों, इसमें देखिए सूरन जो है खाना जा रहा है। तो ये देखिए सूख गया है, समझ एकदम खाने लायक हो गया है। ये देखिए ये वाला, तो इसे ढेर सारा जो है यहाँ देखिए बड़ा सा है। इसकी पत्ती देखिए इसी तरीके से होता है, ये देखिए हल्का हल्का पीला पड़ रहा है, समझ लीजिए एकदम से पकने वाला है, काट सकते हैं इसे। तो देखिए जो भैया का ये देखिए जो सूरन है वही सब लोग आए हुए हैं यहीं पर, देखिए चुनकर हम जो है खनेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना बड़ा निकलता है। तो देखिए इतना मोटा जो है पुल्ला निकला हुआ है, हाथ में नहीं मतलब अट रहा है, और भैया कह रहे हैं कम से कम ये 5 किलो तक निकलेगा। तो चलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर हम खनेंगे इसे। देखिए कम से कम इतना ऊपर तक गया हुआ है, 3 फुट तक ऊपर है ये। तो फरसा से दोस्तों हम थोड़ा सा बगल में इसे खनेंगे साइड बनाकर। तो उसके बगल में देखिए तो छोटा छोटा जो निकल रहा है इसे साइड में रखेंगे, यहीं पे बोया जाएगा। तो बगल से देखिए मैंने खाना हुआ है, तो देखिए ढेर सारा जो है सूरन का रेशा निकल रहे हैं, इसे भी तोड़ेंगे नहीं, पूरा निकाल कर तो दिखाएंगे। तो फरसा देखिए थोड़ा थोड़ा जो है अंदर से माटी हम निकाल रहे हैं, उसके बाद हाथ से इसे पूरा हम अच्छे से निकाल पाए, कटे ना। तो चारों तरफ खले हुए थोड़ा सा हाल साते हैं, ये देखिए सजन है। पूरा हमने खा लिया अच्छे से, बिल्कुल कटा नहीं है, थोड़ा सा मट्टी हटा लेंगे उसके बाद रेशा दिखाएंगे आप लोगों को। तो रेशा हम ढेर सारा जो है मिट्टी चिपना हुआ है उसे निकालते हैं। तो सूरन दोस्तों देखिए बहुत ही ढेर सारे जो है रेशे निकले हुए हैं, अभी साफ करने उसके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छा लगा हो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए चारों तरफ से घुमा घुमा कर दिखाते हैं, तो बहुत ही वजनी दोस्तों इसमें लग रहा है हमें। देखिए थोड़ा सा खड़ी दिखाते हैं, बहुत ही आराम से टाइम लगा कर हमने खाना हुआ है, जैसे अच्छे से आप लोग दिखा पाए। देखिए एकदम गदा जैसा, अभी पत्ती काटेंगे और इसको नहीं काटेंगे, इसे ऐसे धोकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए इसे हम काट देते हैं। अब इसे हम लेकर चलेंगे, पहले इसका हम पैसा वैसा देंगे उसके बाद चलेंगे। देखिए क्या किलो निकला। तो अब हम इसे पानी से धोएंगे। तो देखिए पानी डाल दिया हुआ है, तो रेसा रेसा एकदम पता चल रहा है, अच्छे से धोएंगे अभी। तो मट्टी को हमने हटा दिया हुआ है, तो देखिए बहुत ही अच्छे जो है साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों सूरन का जो है रेशा रहता है, इसीलिए तोड़ा नहीं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे हम सारा तोड़ेंगे, अब बहुत अच्छे जो है साफ करेंगे इस तरीके से। तो डंठल को हम काट देते हैं, देखिए बीच में जो है सूरन है और बगल बगल में देखिए पुल्ला निकला हुआ था। तो सूरन दोस्तों कल ही मैंने धोकर रख दिया हुआ था, देखिए अच्छे सूखा सूखा दिखाई पड़ रहा है, और धूप में दोस्तों रखा जाता है जैसे अच्छे से सूख जाए, पानी थोड़ा सा मरे इसका। तो चलिए इसे हम काटते हैं जितना मुझे बनाना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों सूरन है, तो चलिए इसे हम छिलके को उतारेंगे। दिवाली के दिन दोस्तों हमारे गांव में जो क्या क्या बनता है, तो वही आप लोगों को बनाएंगे, तो ढेर सारे रेसिपी बनाएंगे, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हाथों में हमने तेल लगा हुआ है जिससे खुजलाहट ना हो। तो सूरन दोस्तों बड़ा सा हमने लिया हुआ है, पूरा परिवार जो दीपावली के दिन जो है खाना बनाता है यही सूरन की सब्जी ही बनती है, और जो बचेगा उसके अचार बनाकर हम रख देंगे, खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो इतने छोटे छोटे जो मैं काट दे रही हूँ इसे उबाल दूंगी, तो इसको काटने के बाद हम पानी से हल्का सा इसे डुबो देंगे। चलिए मसाले को तैयार करेंगे। तो बारी बारी दोस्तों सारे मसाले जो है पीसेंगे। सबसे पहले हम टमाटर को पीस कर रख लेते हैं, देखिए एकदम पका पका जो है टमाटर है, बहुत अच्छा कलर आएगा।
थोड़ा सा इसे बट्टे से कूट कर और इसे हम पीसेंगे। तो टमाटर पीसने के बाद इधर हम प्याज मिर्चा और लहसुन का भी छिलके उतार कर इसे भी पीसेंगे। तो आग को हमने जला लिया हुआ है, थोड़ा सा मोटी लकड़ी रख देते हैं। कुकर में देखिए इसे उबालेंगे। तो दो पानी हमने सूरन को धो लिया है, कुकर में डाल देते हैं। तो सूरन में हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर हो जाएगा, और नमक को डाल देते हैं। नमक डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा जो है गला बिल्कुल नहीं काटेगा। और इसमें उबलने के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी। तो सूरन को हम इसे चूल्हे पर रख देते हैं, एक सीटी वाले तक उबालेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी जो है सारी तैयारी कर लेंगे। हर छीमी के हो दाने निकाल लेते हैं। तो पुलाव बनाएंगे तो बासमती चावल लिया हो इसे हम भिगो देते हैं। एक सीटी आ गया, उसे उतार देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ढक्कन को हटा कर और सूरन को जो है दूसरी ठाठी में पलट देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा जो है कलर आया हुआ है हल्दी का। पुलाव के लिए हम चावल को जो है पकाएंगे। तो धुल ले हैं इसे डाल देते हैं। चावल में हमने पानी डाल दिया हुआ, इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच देसी घी। डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। तो अब हम रख देते हैं चावल पकने के लिए। तो गोजा भी बनाएंगे दोस्तों, पुलाव बनाएंगे और सूजी सेवई बनाएंगे। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़े में देखिए गरी को काजू को भी काट लेते हैं। चावल हमारा पक गया, इसे उतार देते हैं और रख देते हैं ऊपर कढ़ाई। सूजी और सेवई को हम भून लेते हैं। तो देखिए देसी घी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी को। धीमी आंच में सूजी को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे जो कलर आ जाएगा ब्राउन कलर। तो चावल माला देखिए इसे हम पलट देते हैं, पक गया है। पलट देंगे थोड़ा सा भर भर रहेगा, ये देखिए ठंडा होने देते हैं इसे ऐसे ही। तो सूजी हमारा देखिए ब्राउन कलर का हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं थाली में। तो कढ़ाई दोस्तों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, पहले हम जीरा भून लेते हैं, उसके बाद सेवई को भूनेंगे। तो जीरा को भून लिया, इसे निकाल लेते हैं। देसी घी डाल दिया हुआ है, अब हम सेवई को भून लेते हैं। तो सेवई को हमने भून लिया हुआ, इसे हम निकाल लेते हैं थाली में। तो सेवई के लिए हम दूध डाल देते हैं और दूध के साथ डाल देते हैं पानी। तो दोनों अच्छे से उबलने देते हैं। तो हमारे उबाला गया, इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ चीनी। तो दूध हमारा बहुत ही अच्छे से उबल गया है, अब सेवई को डाल देते हैं। तो अब हम करी को डाल देते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सेवई हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए हल्का सा हमने उबाला हुआ है, अब इसे दूसरे बर्तन में हम पलटेंगे। तो सेवई हमारा देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अब हम बनाएंगे पुलाव, जिसमें हम डाल देते हैं जीरा और तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं खड़ा मसाला। तो जीरा हमारा चटक चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं मटर को। मटर को डालने के बाद तुरंत हम डाल देंगे इसमें गाजर। धीमी आंच में इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। इधर हम पनीर को काट लेते हैं। तो हल्का देखिए गाजर हमारा पक चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर को। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों हमारा पुलाव बनेगा। अब हम डाल देते हैं काजू को। तो अच्छे से हमने देखिए भून लिया हुआ है, कढ़ाई में जो है बिल्कुल चिपक नहीं रहा है पनीर। और ये देखिए इधर पुलाव जो हमने चावल हमने बनाया हुआ था, ये हल्का से देखिए ठंडा हो गया है। अब इसी में हम सारा मिलाएंगे। तो चावल में अच्छे से मिला देते हैं। तो हल्का सा एक चुटकी इसमें नमक मिला देंगे। तो देखने में दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा जो है हमारा पुलाव बना हुआ है। तो अब उसी कढ़ाई में हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो इसे हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो थोड़ा सा हमने तेल ज़्यादा डाला हुआ है और सूरन को हम तलेंगे, इसमें हम डाल देते हैं। तो हल्का से देखिए हमारा जो है सूरन है हल्का से ज़्यादा पक गया है, थोड़ा सा कम आंच में डालिएगा। अब हम सूरन को पलट देते हैं। ये हल्का सा कलर इस साइड आ गया है। तो पहला हम दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने निकाला हुआ है, दूसरा हमने डाल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसे लाल होने देते हैं, इसके बाद पलटेंगे। तो सूरन को हमने तल लिया हुआ, इसे हम निकाल लेते हैं। तो तेल हमने हल्का सा कम कर दिया हुआ है, अब इसमें हम प्याज का तड़का लगा देते हैं। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो पिसे हुए मसाले को डाल देते हैं, इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर हमने मिला दिया हुआ है। तो
मसाले को हमने पका लिया, अब डाल देते हैं इसमें टमाटर को जो पीसा हुआ था, उसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। तो पूड़ी के लिए हम आटे को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक डाल देते हैं। अब डालेंगे हम रिफाइन, आटे को हम अच्छे से मिलाकर इसे हम गूंदेंगे थोड़ा सा टाइट आटे को। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हल्का सा हम डाल देंगे इसमें दही। तो दही डालकर लगातार हम चलाएंगे इसे। भुजिया लिए दोस्तों मैदा हमने देखिए ताठी में रख लिया हुआ है, आटा गुदा गया है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन को तेल डालेंगे खस्ता बनाने के लिए। तो चलिए इसे अच्छे से पहले मिलाएंगे, थोड़ा सा कुनकुन आटे से पानी से इसे हम गूंदेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, गरम मसाला डालेंगे बट डालेंगे इसे पानी, जैसे मसाला जो है हमारा जले ना। देखिए थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया हुआ है, अब इसमें हम डाल देंगे सूरन उबला हुआ जो तला हुआ है, डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो हल्का सा हमने मसाले में पका लिया हुआ है, अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। पानी हमने डाल दिया है, अब तेज आंच में इसे पकाते हैं। तो सूरन को उबालते समय हमने नमक डाला हुआ था, उसी हिसाब थोड़ा सा कम नमक हम डालेंगे। नमक डालकर अच्छे से हम चला देते हैं। तो हरी धनिया की पत्ती को हम काट लेते हैं। तो चीनी को हमने पीस कर ले लिया हुआ है, चलिए सब कुछ को मिलाते हैं। देखिए खोआ बहुत ही मुलायम नरम है, तो मिक्स करते हैं अच्छे से। तो अच्छे से हमने इस स्टफिंग को तैयार कर लिया हुआ है गुजिया बनाने के लिए, और आटा भी हमारा गुदा गया है। तो दीपावली के दिन दोस्तों गुजिया बनता है बहुत ही अच्छा जो है हम गाँव में। अब बनाएंगे हम रायता, रायता दोस्तों बहुत जल्दी जो है बन जाता है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे हल्का सा, देखिए मिर्चा है, मिर्चा डाल देंगे। और ये देखिए इसमें हम डाल देंगे बूंदी, बूंदी वाला दो रायता बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक डालने के बाद इसमें हम भुना हुआ जीरा डाल देते हैं, और थोड़ा सा दो चार इसमें मरीच भी हमने पीसा हुआ है, काला नमक भी हमने डाल दिया हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो राधा दोस्तों एक मिनट भी नहीं लगता, बनकर तैयार हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब इसे रख देते हैं, बूंदी थोड़ा सा फूलेगा। तो सूरन का दोस्तों सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए हल्का हल्का देखिए ग्रेवी लखा रहा है। तो अभी इसे हम जो उबाल कर दोस्तों बनाते हैं ना, तो ये जब फूटता है तो अब आप जो है ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए इसे हम उतार देते हैं, अगर आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अब दूसरे बर्तन में पलटेंगे, कढ़ाई को खाली करेंगे। पूड़ी और गुजिया बनाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं रिफाइन का तेल, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो सब्जी में हम हरी धनिया की पत्ती को डाल देते हैं, और डालकर इसे हम ढक देंगे। और यह देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है, पूड़ी तलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पूड़ी को तलेंगे। त्योहार पे दोस्तों ज्यादातर हमारे सब यहाँ जो है पूड़ी ही बनती है, रोटी किसी के घर नहीं बनता। तो सारी पूड़ियाँ जो है फूल चुकी है, दोनों साइड पलट पलट के अच्छे से हम पका लेंगे। तो दो लोग मिल के दोस्तों पूड़ी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे जो है एक लोग छान लेते हैं, एक लोग बेल देते हैं। देखिए रंजना जी बेल रही हैं, और उधर देखिए योगी देवरानी हमारी है बेल रही हैं, और एक गुजिया भर रही हैं। गुजिया भी दोस्तों भरा रहता है तो अच्छे से जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए इसे हम निकाल, तो गुजिया के लिए देखिए पूड़ी जो है बहुत ही पतला पतला बेला जाता है, अभी बेल कर रख लेंगे, उसके बाद जो है भरेगी एक साथ में। और इधर देखिए पतली पतली जो है थोड़ा पतली से थोड़ा सा मोटी पूड़ी बेल रही हैं। तो ऐसे ही सारी पूड़ियों को हम तल लेते हैं। तो बस कटने दोस्तों बड़ी सी पूड़ी जो है बेल कर एक साइड में रखेंगे, और बहुत ही अच्छे से इसे पलट कर तुरंत तैयार होता है। देखिए थोड़ा सा छोटा बेलेंगे तभी बहुत ही अच्छे जो है निकलेगा, बड़ा रहता है तो रखने बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। तैयार हो गया। तो वैसे ही देखिए ढेर सारा ये देखिए थाली में बना चुकी है, अब इसे हम तलेंगे, ये लोग बेलेंगे और भरेंगे। तो गुजिया दोस्तों तुरंत जो है बहुत जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए गुजिया को दोनों साइड पलट पलट के अच्छे से हम पका लेते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। तो गुजिया हमने तल लिया हुआ, इसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही गुजिया को पूरा हम तल लेते हैं, तुरंत हम पलटेंगे, नहीं जो दूसरी साइड पलटाता नहीं, बार बार उसी साइड हो जाता है खुलने के बाद। ये देखिए फूल फूल कर बहुत ही अच्छे जो है गुजिया फूल रही है। तो
तो एक खान दोस्तों देखिए हमने थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ है और देखिए इसे थोड़ा सा कम पका हुआ है, दोनों दोस्तों अच्छे से पकता है, धीमी आंच पकाते हैं। तो सारा दोस्तों खाना हमारा बन गया है दीपावली की स्पेशल थाली। तो चलिए अब थाली को सजाते हैं, कौन कौन खाना हमने बनाया हुआ है लगा देते हैं। सारा जो है खाना हमारा त्योहार का बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस थाली में हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पुलाव को। पुलाव दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाल हरा बहुत ही अच्छा, पनीर भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अब हम पूड़ी को रख देते हैं। पूड़ी को रखने बाद देखिए गोझिया हमने बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों त्यौहार पे, लगता है दो दिन तीन दिन चार दिन आराम से इसे खा सकते हैं। तो अब हम सब्जी को परोस देते हैं। देखिए सब्जी काफ़ी लोग दोस्तों खा चुके हैं, थोड़ा सा समय लग रहा था तो हमने परोस दिया हुआ है। तो इसमें हम रख देते हैं सेवई। तो अब हम रायता को रख देते हैं। देखिए जो है बहुत ही अच्छा बूंदी फूल गई है, बहुत ही स्वादिष्ट, इसे परोस देते हैं। तो अब हम परोसेंगे, देखिए सलाद हमने काट कर रखा हुआ है। तो देखिए मैंने पुलाव निकाल लिया हुआ है, पूड़ी गुजिया सलाद, देखिए सूरन की सब्जी, सेवई और रायता। दीपावली के दिन दोस्तों देखिए हमारे घर यही सब बनता है गांव में, अगर आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। तो खाना तो हमने बना लिया है बहुत अच्छा, सब लोग खा भी लिए हुए हैं और खाएंगे। तो दीपावली की दोस्तों आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से बनाइए खाइए। और हमारा हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।